give her the dick. Who's the dad? My mom. Yeah, it's your mom. Don't you? Everyone, welcome back to our YouTube channel. This is CM Vlogs and हम लोग फिर से आ गए हैं नया वीडियो लेके. I hope आप लोग हम लोग का वेट कर रहे थे, कर भी नहीं रहे थे तो भी ठीक ही है. तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है एंड आप सबका फेवरेट शहनशाह को हम लोग प्रैंक करने जा रहे हैं बिकॉज सो गाइज हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं. तो आज हम एक दूसरे को परमिशन दे रहे हैं मारने के लिए. सो गाइस कभी भी मैंने 4 साल में एक भी बार इससे इसको कभी नहीं मारा है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ रिएक्शन की कैसा होगा रिएक्शन. तो हम लोग करेंगे उसको ही प्रैंक. बहुत सारा प्रैंक 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 बोलते हो आप लोग, तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम उसको प्रैंक कर लेते हैं. कब तक हम एक दूसरे को प्रैंक करते रहेंगे. तो आई वाज थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट. आज का वीडियो वही होगा एंड बहुत धूप आ रहा है अभी तो मुझे लाइक गर्मी भी हो रहा है. सो गाइस यस एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाहती थी. अभी लाइक समर इज अराउंड द कॉर्नर, समर आ रहा है एंड आपका स्किन को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सनस्क्रीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन योर मेकअप रूटीन और डेली स्किन केयर में भी. लाइक फॉर गाइज फॉर गर्ल्स सबके लिए सनस्क्रीन इज अ मस्ट. एंड कुछ सनस्क्रीन तो ऐसा भी होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग सन प्रोटेक्शन नहीं देता है. ऐसे बिजी स्केड्यूल में तो हम लोग बार बार सनस्क्रीन लगा भी नहीं सकते है. एंड ऑल्सो लाइक गाइज तो अगर सनस्क्रीन कैरी करके लेकर जा सकते हैं एंड रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स लाइक हु वेयर मेकअप, मेकअप के ऊपर से अगर हम सनस्क्रीन रीअप्लाई करते हैं आफ्टर एवरी 2 to 3 hours देन हमारा मेकअप खराब हो जाता है. तो वी वॉन्ट, हमें क्या चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन चाहिए जो हमारी स्किन को काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्ट करे. दैट्स व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू गाइज टू डर्माकोज हेलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन जो कि वाटर रेजिस्टेंट है एंड ऑल्सो स्वेट रेजिस्टेंट. एंड दिस सनस्क्रीन कम्स विद SPF 50 PA++++. एंड ये जो सनस्क्रीन है ये 6 hours तक लास्ट करता है. एंड यस यू हर्ड मी राइट, 6 hours तक. इट इज द ओनली सनस्क्रीन इन इंडिया जो इतना लंबा तक लास्ट करता है एंड बार बार आपको रीअप्लाई भी नहीं करना पड़ता है. एंड ये जो सनस्क्रीन है ये सुपर लाइट है एंड नॉन ग्रीजी एंड दिस इज परफेक्ट फॉर समर बिकॉज ये वॉटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस है जैसे कि इसने बोल दिया है ऑलरेडी. एंड इट डज नॉट लीव व्हाइट कास्ट. ये जो सनस्क्रीन है इट इज इन्फ्यूज्ड विद हेलुरोनिक एसिड एंड ये जो सनस्क्रीन है इट डीपली हाइड्रेट्स योर स्किन कीपिंग ड्राइनेस एट बे. सो गाइस से गुड बाय टू योर सनस्क्रीन बिकॉज दिस इज द बेस्ट सनस्क्रीन इन द मार्केट. एंड गाइज ये सनस्क्रीन में हेलुरोनिक एसिड है विच कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड एंड प्लम. गाइज इसमें विटामिन ई भी है जो कि रिड्यूस करता है आपके सन डैमेज को. एंड गाइज ऑल द प्रोडक्ट्स बाय द डर्माको आर फ्रेग्रेंस फ्री. सो दिस सनस्क्रीन कम्स विद SPF 50 PA++++ फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA UVB रेज. इट इज लॉन्ग लास्टिंग सन प्रोटेक्शन फॉर 6 hours. इट इज वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट, सुपर लाइट वेट, लीव्स नो व्हाइट कास्ट. इट इज डिजाइंड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, सेफ एंड इफेक्टिव. इज नाउ आई एम गोना टेस्ट कि ये कैसे वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है, ये कैसे डिफर करता है दूसरा सनस्क्रीन के साथ. सो आई एम गोना टेक ये एक डर्मा का सनस्क्रीन एंड दूसरा वाला सनस्क्रीन एंड टेस्ट. Light.
सो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि डर्माकोका कैसे मिक्स नहीं हुआ, सारा सनस्क्रीन ऊपर ऊपर आ गया था। आई वॉज लाइक सो अमेज्ड वो देखकर। साथ में वो दूसरा सनस्क्रीन जो था वो पानी में नीचे बहुत लाइक स्टिकी कैसा हो गया था। तो यस यू गाइज मस्ट हैव सीन दैट टू। एंड गाइज द बेस्ट पार्ट इज द डर्माको हैज एम्पावर्ड 15,000 प्लस स्टूडेंट्स दिस ईयर विद देयर यंग साइंटिस्ट initiative. Every time you buy from there, they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. So guys, if you like this product and you guys also want to order this, link is in the description below. So guys, to get 20% off on your purchase, use our code CM2024. So grab yours now. And guys, this product is also available on Amazon, Nykaa, Purple and Flipkart. दिया है एंड यस वी आर डूइंग विद माय गर्लफ्रेंड प्रैंक ऑन हर बेस्ट फ्रेंड श्रेयांसा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मैं थोड़ा एक्टिंग करूंगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने उसको वीडियो करने के लिए बोला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी प्लीज इग्नोर आवर रूम क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है, लाइक कुछ भी। हैव टू चेंज द प्लेस जहाँ पर हम लोग कैमरा रखेंगे क्योंकि उसको वहाँ से सीधा दिखेगा, इसलिए हम लोग ने इधर रख दिया क्योंकि डोर इस साइड में है हम लोगों का। देखो हम लोग का वीडियो करते करते रात हो गया है एंड अभी हम लोग करने वाले हैं वो प्रैंक क्योंकि हम लोग का बहुत सारा वीडियोस था बनाने के लिए, उसमें बहुत टाइम लग गया। तो वील स्टार्ट द वीडियो नाउ, लेट्स वेट। Yeah, boy. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं तिमी छिटो हिड़ा तो भू एक
Thank you.
चाबी बेगर कहाँ जानु भने बेलुकी बे बाहिर चाहिँ कसरी जानु अब चाबी बेगर बाहिर चाहिँ कलै राख्नु छोड्यो है
कितना रियल एक्टिंग कर रही थी ये, मुझे एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगे कि ये सच में रो रही थी क्योंकि तूने मुझे सच में मारा जाता मैं जो छुई ना पनी है बोला बोले बंद सो कैसा लगा पूरा रिस ट्राई मुझे वो ना मुझे सच में क्यों भाई वाचन वो किस समय आते थे वो तो ही जाना था ट्रिप के क्या आवाज आ रहा था जब फोन चलाते थे मतलब वो वीडियो बना के सुना लगे कि भी बोलता रिपीट दैट इन हिंदी प्लीज सबटाइटल डालना अच्छी लगता है मुझे लग रहा था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले हंसी मजाक कर रहे थे अचानक आप लोग झगड़ा करने लगे जोर जोर से आवाजें आने लगी तो मैं चेक करने आई रियली लगा देख रही थी मजा आ रहा था मुझे आप लोगों ने क्या कर दिया रियल लगा बिल्कुल रियल रियल नहीं लगता तो मैं आती नहीं यहाँ पे और मैं कहीं भी नहीं गया था मैं उधर उसके ही रूम में था ये इधर से जाके फिर नीचे जाके फिर आ गई तुम्हारे ही रूम में था मैं डोर के पीछे डोर के पीछे सो गाइस आई जस्ट होप यू लाइक्ड द वीडियो वैसे तो हम नहीं मारते आज थोड़ा ज्यादा भी नहीं मारा है पर मेरे तंबू तो कुछ नहीं सोच में है So guys, जो भी मैंने बोला वो वीडियो के लिए नहीं था वो सच में के लिए था क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था और ये मुझे बोला कि अच्छा प्रैंक करते मेरा घर सच में तुमको डांट किया अभी हम लोग सच करता है या नहीं करता है बता दे सुबह उठा वो करता हूँ वो दैट इज ट्रू क्योंकि ना हम ये लोग उठते है 2 बजे नो yes. 2 बजे सुबह उठा देता है 9 बजे पर तुम लोग उठते हो 2 बजे ना फिर भी 9 बजे से ही इसका शुरू हो जाता है उठा वीडियो बनाने अच्छा उठा बट मैं बहुत प्यार से उठाता हूँ उसको तेरे को मैंने दी सोचा तेरे को उठा ना फिर ये नहीं उठता है उसके बाद मैं बोलता हूँ उठा ना कैसे ये देखो ये प्रैंक हो गया किसी बेटी पर गाइस हम लोग को सच में घर जाना है बहुत लेट हो रहा है पर हम लोग को ये वीडियो करना ही था आज और दैट इज व्हाई
Let's go. Okay. Now let's go. So thanks for watching guys. Abhi hum log ghar ja rahe hain and sorry, so sorry for pranking you. Risa ko re. आप लोगों को पता नहीं होगा ये वीडियो में आने से बहुत शर्माती है पर आज तो फुल वीडियो में ही श्रेयांसा डर लग तो आक्षे बहुत रिस उठ रहा है सोच के. सो गाइस थैंक्स मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. I hope you like the video and ये just reaction देखने के लिए था. ये बहुत डर गई थी. The reaction was surreal. तो अभी हम लोग घर जाएंगे मिलेंगे. हम लोग निकल गए हैं एंड हम लोग जा रहे हैं अभी मेरे घर. हम दोनों अकेले हो गए हैं अभी. खुशी भी नहीं है कोई भी नहीं. हम पहुंच गए हैं घर और ये दोनों ऐसे बैठा हुआ है. तो मैं कह रहा था कि हम लोग का प्रैंक सक्सेसफुल हो गया है एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड द वीडियो. एंड अभी ही मैं बोल रहा हूँ गाइज ये जो हम लोग ने किया वो प्लांड था. हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करते. सो अगर आप लोगों का अगर बुरा लगा तो वी आर वेरी सॉरी. वी अपोलोजाइज फॉर दैट बट इट वॉज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. अभी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ. आओ सो दैट इज वेरी बैड. डू नॉट डू दैट एट होम. सो दैट वॉज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट. एंड वो सब हम लोग ने प्लान किया था. एक दूसरे को अग्री किया था एंड हमने परमिशन दिया था. तो दैट इज इट. सो गाइज सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा. एंड यस ये डेर वाला जो था डेर वाला वीडियो एक दो दिन में आएगा क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं अभी. तो एक दो दिन में आएगा गाइज. बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग. लव यू गाइज. एंड आप लोग बताना नेक्स्ट वीडियो क्या करिए. मुकबांग बहुत ज्यादा कमेंट किया था. मुकबांग तो मुकबांग हम ये दोनों को मुकबांग कराएंगे क्योंकि मैं तो चिकन वगैरह कुछ खाता नहीं. एंड मुकबांग मुकबांग देखने वालों को तो चिकन ऐसा ही लाइक मीट जो खाते है वैसा ही पसंद आता है. तू करेला खा. तू करेला खा. ये बोल रहा है सब्जी बाद भी ये खाएगा. चिकन हम तो खाएंगे भाई. अंडा करी हो तो मैं कर सकता हूँ पर मीट वगैरह मैं नहीं कर सकता. दिस वी कैन डू वन थिंग. तुम लोग मीट खाओ मैं अंडा करी खाऊंगा मुकबांग. ओके ठीक है. ओके तो गाइस मुकबांग वीडियो कमिंग सून. यू बाय फॉर जब ये खा के खाता हुआ आप लोग देखोगे ना तो थूक नहीं लोगे. तुम यू बाय फॉर मी चिकन केएफसी. चिकन केएफसी तो नो. मासू खरीदूंगा उसको पकाओ और मुकबांग करो. KFC करता रहता है. KFC के लिए पैसा ही नहीं है. खरीदेगा तभी करेंगे मुकबांग. ना बना नहीं करेंगे. सो गाइज अगर आप लोगों को चाहिए कि ग्रेसी KFC खाए तो ये वीडियो देखना जरूर. नेक्स्ट वीडियो भी देखना उसके अगले वीडियो भी देखना. इसमें गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं KFC खाऊं तो कमेंट में KFC से भर देना. KFC खाए तो आप KFC करके कमेंट कर देना ताकि जोरे में हमारे लिए KFC खरीद दे. 2000 का भी कम पड़ेगा. अगर आप लोग KFC करोगे तो हम खरीदेंगे. कमेंट में KFC जरूर लिखना. बहुत कुछ पिज्जा भी भात एक भी दिन में नहीं करेंगे सब कुछ. तो KFC के साथ भात तो खाना पड़ेगा ना. भात और चिकन. भात तो हम घर में ही पकाएंगे ना. और चिकन भी चाहिए. तो गाइस सी यू इन आवर नेक्स्ट मुकबांग वीडियो. प्लीज गाइस तो 24 आवर्स तक देखूंगा. 24 आवर्स तक KFC मिला तो जरूर खरीदूंगा. प्लीज भीख मांग लो. प्लीज KFC कर दीजिए. ये भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल था. यारे भीख मांगे टाइम अच्छा वाला बोला. ये भीख मांगवा. बाय गाइस थैंक्स. भीख मांग गया. बाय बना.